हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दैनिक पोर्टल। फ्रेंड्स, डियरनेस अलाउंस से रिलेटेड मैंने आज का वीडियो बनाया है कि मई 2022 से यानी आने वाले क्वार्टर में बैंकर्स का डियरनेस अलाउंस बढ़ने नहीं वाला है बल्कि कम होने वाला है, क्योंकि सीपीआई के फिगर लगातार गिरते जा रहे हैं। अभी जो डियरनेस अलाउंस लगातार बैंक एम्प्लॉयज का बढ़ रहा था, उन्हीं के लिए बैड न्यूज है। अभी आपको पता होगा फ्रेंड्स कि डीएनएस अलाउंस 32.97% चल रहा था, यानी लगभग लगभग 33% चल रहा था, जो कि फरवरी टू अप्रैल 2022 तक के लिए वैलिड है। अब बात करें कि मई 2022 से क्या डीए होने वाला है, तो उसके सीपीआई के फिगर्स इस तरह से मूव कर रहे हैं। जो लगातार सीपीआई के फिगर काफी समय से बढ़ रहे थे, वो नवंबर 2021 में अपने हाईएस्ट पॉइंट 125.7 पर आए, उसके बाद से लगातार गिरना चालू हो गया है। दिसंबर, जनवरी और फरवरी तीनों में लगातार गिरावट देखने को मिली है। फरवरी 2022 के डीए सीपीआई के फिगर्स आज ही रिलीज हुए हैं, तो अगला जो सीपीआई का फिगर है मार्च 2022 का, वो अप्रैल के लास्ट वर्किंग डे को रिलीज कर दिया जाएगा, और उसके बाद मई 2022 का जो डीए होने वाला है वो एक्चुअल पता लग जाएगा। लेकिन कुछ भी फिगर आए, 99% चांसेस डीए गिरने की ही है, क्योंकि दो सीपीआई के फिगर ऑलरेडी आ चुके हैं, तो सिर्फ एक महीने के सीपीआई का फिगर पेंडिंग है। वो अगर बढ़ भी जाएगा अच्छा खासा, तो भी डीए के डियरनेस अलाउंस बैंक एम्प्लॉयज का कम होने वाला ही है, बढ़ने वाला नहीं है। पहला एक केस मान के चलते हैं कि अगर डियरनेस अलाउंस जो सीपीआई का फिगर है मार्च 2022 का, वो लगभग सेम ही रहता है, यानी 125 पॉइंट्स ही रहता है। पहले दो महीने के फिगर है 125.1, फरवरी का है 125, और मार्च का भी अगर 125 ही रहे, तो जो अभी डीए 32.97% है वो 5 स्लैब गिरकर 32.62% हो जाएगा, यानी -0.35% डीए बैंक एम्प्लॉयज का कम हो जाएगा। ये एक चांसेस बनती है पहली। ये इसकी कैलकुलेशन है कि 125.03 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग, यानी जो पिछले तीन महीने का सीपीआई का पॉइंट्स होता है उनका एवरेज लिया जाता है, और उसके एवरेज को मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके 1960 बेस ईयर के अकॉर्डिंग सीपीआई के फिगर्स निकाले जाते हैं, और उसमें से जो डियरनेस अलाउंस बेसिक पे में ऑलरेडी मर्ज किए जा चुके हैं 11 बाइपार्टाइट सेटलमेंट के हिसाब से, तो सिर्फ रिमेनिंग डीए सीपीआई पॉइंट्स पे ही डीए दिया जाता है। तो उसके हिसाब से फ्रेंड्स जो डीए बनता है वो टोटल 466 स्लैब्स होते हैं, यानी 5 स्लैब 471 से घटकर 466 स्लैब हो गए हैं, और डीए रह गया 32.62% ही। एक और अगर केस अपन इमेजिन करके चले कि सपोज आने वाले महीने के सीपीआई के फिगर अगर बढ़ जाते हैं, वैसे ट्रेंड तो देख के लग रहा है कि लगातार घटते ही हैं, और अगर बढ़ता भी है तो आधा आधा पॉइंट बढ़ता है, तो अगर मान के चले कि 125 से बढ़कर 125.5 भी अगर सीपीआई के फिगर हो जाए आने वाले महीने में, तो भी दो स्लैब कम ही होंगे फ्रेंड्स, डीए बढ़ेगा नहीं बल्कि डीए के स्लैब्स घटी जाएंगे, और इस हिसाब से माइनस हो जाएगा 0.14%। यानी दोनों केसेस में आप देखेंगे सीपीआई का फिगर अगर कांस्टेंट रहता है और अगर आधा पॉइंट बढ़ता भी है, तो दोनों केसेस में ही डीए कम ही होने वाला है। अगर सीपीआई के फिगर बहुत अच्छे पॉइंट से अगर बढ़ते हैं, तो ही एक चांस है कि डीए लगभग लगभग सेम रहेगा या फिर थोड़ा सा बढ़ जाएगा। बाकी 99% चांस यही है कि मई 2022 से बैंक एम्प्लॉयज का डीए बढ़ने नहीं वाला है बल्कि कम होने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।